हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी और राखी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही फेमस अलवर की कलाकंद की रेसिपी लाई हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम मिल्क केक बनाएंगे और वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो मैं बहुत सारे टिप्स शेयर करूँगी परफेक्ट मिल्क केक कैसे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मिल्क केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध लिया है, तो ये फुल फैट मिल्क है। मैं यहाँ पर अमूल गोल्ड मिल्क ले रही हूँ, आप कोई भी फुल क्रीम मिल्क ले और इसे हम उबलने देंगे। उबलने के लिए यहाँ पर मैंने मोटी तले वाली कढ़ाई ली है। जैसे जैसे दूध उबलते जाएगा ये नीचे तले में जल जाएगा। उसे अवॉइड करने के लिए पहले इसमें आधा कप जितना पानी डालें और इसे हल्के से उबलने दें। जैसे पानी उबल जाए इसमें 2 लीटर दूध डालें और इसे उबलने देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध डाल दिया है। अब इसे फर्स्ट बॉयल आए जब तक लगातार मिक्स करना होगा। कई बार क्या होता है, जैसे दूध उबलते जाएगा नीचे तले में लग जाएगा और ये दूध जल जाएगा। तो उसे अवॉइड करने के लिए पहले हमने पानी डाल दिया था और उसे बॉईल होने दिया, उसके बाद दूध डाल दिया था। या तो फिर आप क्या करें, जिस भी मोटी तले वाली आप कढ़ाई ले रहे हो उसे पहले घी से अच्छे से ग्रीस कर दी, उसके बाद उसमें दूध डालें। इससे भी कढ़ाई अच्छे से ग्रीस हो जाएगी और इस कढ़ाई में जितना भी आप दूध उबालोगे ये तले में बिल्कुल नहीं चलेगा। आप ये दोनों टिप में से कोई भी टिप ट्राई कर सकते हो। यहाँ देखिए दूध अच्छे से उबल चुका है। हमें दूध को तब तक उबालना है जब तक ये आधा ना हो जाए, मतलब हमने लिया था 2 लीटर दूध, ये और ये 1 लीटर हो तब तक हमें इसे उबालना होगा। तो जैसे जैसे दूध उबलेगा ये ऊपर से ओवरफ्लो होगा। तो इसे अवॉइड करने के लिए एक लकड़ी का स्पैटुला या बेलन आप इस तरह कढ़ाई के ऊपर रख दी, तो जैसे दूध उबलेगा ये नीचे ओवरफ्लो नहीं होगा। बीच बीच में आप बेलन या लकड़ी का जो भी स्पैटुला आपने ऊपर रखा था उसे निकाल दें और चम्मच से दूध को अच्छे से मिक्स कर दें, क्योंकि हमें इसके ऊपर मलाई नहीं जमानी है। हमें इस दूध में थोड़े दाने चाहिए, लेकिन ये दाने हम आगे करेंगे, पहले दूध को अच्छे से रिड्यूस कर देंगे। तो इसे रिड्यूस करने में लगभग मुझे 30 से 40 मिनट भी लग सकता है। तो साइड में जब तक आपको जो भी एक्स्ट्रा काम हो आप वो कर सकते हो, बस बीच बीच में इसे मिक्स करते रहे। साइड में हम दूध को दानेदार बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ फिटकरी। तो ये फिटकरी आपको आसानी से किराने शॉप में मिल जाएगा। फिटकरी का हमें बहुत ही एकदम छोटा सा मूंग के साइज़ जितना पीस चाहिए, तो बस आप इतना सा ही पीस लें। इस पीस को आप एकदम पाउडर फॉर्म कर लें। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपके पास फिटकरी ना हो तो आप नींबू का सत यानी नींबू का फूल जिसे हम दूध फाड़ते हैं वो भी ले सकते हो, या आप नींबू का रस भी ले सकते हो। जो भी ले रहे हो हमें बहुत ही कम प्रोपोर्शन में चाहिए। अगर हल्के से भी ज़्यादा हो गया तो मिठाई में खटास आ सकती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने फिटकरी का पाउडर कर लिया है। मैं इसे एक कॉर्नर में कलेक्ट करके दिखाती हूँ। देखिए इतना सही, एक बिल्कुल चुटकी भर। अब 2 लीटर दूध में हम 200 ग्राम चीनी लेंगे। आप हल्का सा कम या ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन जितना मैंने मेजरमेंट बनाया है ये परफेक्ट है। लगभग 30 से 40 मिनट बाद आप देख सकते हो कि दूध रिड्यूस हो चुका है, मतलब 2 लीटर दूध था ये 1 लीटर हो चुका है। अब इस दूध को हल्के से दानेदार बनाएंगे। उसके लिए ऊपर से पहले जो स्पैटुला था वो हटा दे और साइड में रख दे, और जितनी भी मलाई जमी है साइड में उसे भी स्क्रैप कर दे। दूध को अच्छे से मिक्स कर दे और जो हमने फिटकरी का पाउडर बना के रखा था उतने से पाउडर को भी 2 या 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके डाले, एक साथ ना डाले वरना दूध एक साथ ही फट जाएगा। हमें दूध को यहाँ पर फाड़ना नहीं है, हमें दूध को हल्के से दानेदार बनानी है। बस इस तरह चुटकी डालें, अच्छे से मिक्स कर दें और फिर से चुटकी डालें। इस तरह 2 से 3 बार आप डालते रहे और मिक्स करते रहे। इससे दूध फटेगा भी नहीं और ये दानेदार बन जाएगी। इस स्टेज पर इसे मिक्स करना बिल्कुल ना छोड़े, हाई फ्लेम पर इसे उबलने दें और जितना इसमें दूध था उससे भी आधा ये होना चाहिए। आप देखिए जैसे जैसे दूध उबलते जा रहा है इसमें दाने बनते जा रहे, बस हमें इतने ही इसके दाने चाहिए। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जितना भी दूध था उससे भी आधा हो चुका है, यानी 2 लीटर दूध में से 1 लीटर कर दिया है और 1 लीटर में से और आधा लीटर हुए तब तक हमने इसे उबाल दिया है और दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब गैस का फ्लेम स्लो करें और अब हम चीनी डाल देंगे। चीनी भी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसे भी 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा डालते जाएँ और लगातार मिक्स करते जाएँ। इससे ये दूध पतला नहीं होगा और इसका कलर परफेक्ट आएगा। इस तरह मैंने 3 बार में शक्कर डाल दिया है, इसे मिक्स कर दे और इसे और उबलने दे। लगभग 5 से 7 मिनट बाद आप देखिए दूध का कलर भी चेंज हो चुका है और काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब इस मिठाई में सॉफ्टनेस और शाइनिंग लाने के लिए घी डालेंगे। तो गैस का फ्लेम स्लो कर दें और इसमें 1/4 कप से कम घी डालें और इसे लगातार मिक्स करें और जब तक इसे होने दें जब तक ये कढ़ाई ना छूट जाए। लगभग 4 से 5 मिनट बाद आप देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है,
थोड़ी देर में देखें ये अपने आप ही कढ़ाई छोड़ रहा है, बस हमें यही तक इसे कुक करना हो। अब इस मिठाई को सेट करेंगे। सेट करने के लिए अगर आपके पास इस तरह का स्टील का डब्बा हो उसे घी से ग्रीस कर दें और सारे मिठाई को इसके अंदर डाल दें और कोई गर्म जगह पर लपेट के इसे रख दे कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए। मेरे पास यहाँ पर ब्रेड का टिन है तो उसे पहले घी से अच्छे से ग्रीस कर देंगे ताकि जब हम इसे अनमोल्ड करें ये आसानी से निकल जाए और सारे मिल्क केक को इसके अंदर डाल दे और थप थप आए ताकि नीचे से भी अच्छे से फ्लैट हो जाए और कोई पोर्स ना हो। अब इसे ढक्कन लगाकर कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए सेट करने रखेंगे। इस मिठाई में और परफेक्ट कलर लाने के लिए इसे कोई गर्म कपड़े से अच्छे से लपेट ले। तो यहाँ पर मेरे पास मोटा टवाल है, अगर आपके पास कंटन का थैला हो तो उसके अंदर भी इस डब्बे को लपेट ले तो ये इसमें गर्माहट और रहेगी और इसका कलर एकदम परफेक्ट आएगा। इसमें लपेटने के बाद आप इसे 8 से 10 घंटे के लिए इसी तरह रहने दें। 8 से 10 घंटे बाद इसे अनमोल्ड करें और इसे मनचाहे शेप में कट करें। अनमोल्ड करते समय अगर ये स्टिक होता हो तो इसे गैस पर हल्के से रख दे 30 से 40 सेकंड, नीचे जो घी जमा हो वो मेल्ट हो जाएगा और आसानी से अनमोल्ड हो जाएगा। तो एकदम टेस्टी सॉफ्ट अलवाल का कलाकंद तैयार है। आप देखिए ये कितने दानेदार और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपकी कलाकंद कैसी बनी। साथ ही फ्रेंड्स मैंने व्हाइट कलाकंद की रेसिपी भी शेयर की है, आप वो रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली रेसिपी में। टिल देन कीप ट्राइंग माई रेसिपीज।